हाय, आई एम डॉक्टर रुविशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आज हम शोल्डर पेन के बारे में बातें करेंगे। तो जब हमें शोल्डर पेन होता है तो हमें हमारे रूटीन काम जिसमें शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट होती हो, जैसे कि बालों को कंघी करना, घर के काम करना, कोई हैवी चीज उठाना, वैसे सभी काम करने में हमें डिफिकल्टी होती है। तो आज हम घर पर कुछ आसान एक्सरसाइजेस करके शोल्डर पेन को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बेड पर या फ्लोर पर अपने पीठ के बल लेट जाइए। अब अपने जिस हाथ में दर्द है उस हाथ को दूसरे हाथ से पकड़कर कोने में से सीधा रख के अपने सिर की ओर जहाँ तक जा सके वहाँ तक ले जाइए। इस एक्सरसाइज को खड़े रह के और चेयर में बैठकर भी किया जा सकता है। शोल्डर फ्लेक्शन की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन वैल्यू 0 to 180 डिग्री होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाइए। आपके जिस हाथ में दर्द है उसे इस तरह ऊपर जहाँ तक जा सके ले जाइए। 5 सेकंड्स होल्ड करके वापस लाइए। इस तरह इसे 10 से 15 बार रिपीट कीजिए। शोल्डर एक्सटेंशन की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन वैल्यू 0 to 45 डिग्री होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अब अपनी कोहनी को ऐसे 90 डिग्री एंगल में मोड़कर अपने हाथ को आगे की ओर नीचे ले जाइए। इसे 5 सेकंड होल्ड करके रखिए, फिर वापस लाइए। इस तरह इसे 10 से 15 बार रिपीट कीजिए। शोल्डर इंटरनल रोटेशन की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन वैल्यू 0 to 90 डिग्री होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाइए। अब अपनी कोहनी को ऐसे 90 डिग्री एंगल में मोड़कर अपने हाथ को पीछे की ओर नीचे ले जाइए। इसे 5 सेकंड्स होल्ड करके वापस लाइए। इस तरह इसे 10 से 15 बार रिपीट कीजिए। शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन वैल्यू 0 to 90 डिग्री होती है। तो ये सभी एक्सरसाइजेस को करने से शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बढ़ती है। इससे शोल्डर जॉइंट का फंक्शन बढ़ाने में, मूवमेंट की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में और पेन को कम करने में भी हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में घर पर रहकर ही अपने शोल्डर पेन को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में जाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके इसके लिए शेयर कीजिए। थैंक यू।